ओके, स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक बैंकिंग कंपनी ना। अगर हम किसी भी बैंक की बात करें, सो बैंक का अगर हम सोर्स ऑफ इनकम देखें, तो सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। बैंक अलग अलग टाइप का लोन प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। ऑन दीज लोन बैंक हमसे क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट। सो मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक इज अ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स। डिस्काउंट ऑन बिल्स मतलब, तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके 12th में एक टॉपिक पढ़ा था, ड्रॉवर ड्रॉई। तो ड्रॉवर के पास ऑप्शन होता है, वो ड्यू डेट के पहले बिल बैंक के पास डिस्काउंट करा सकता है। सो ड्रॉवर के लिए वो डिस्काउंट एक्सपेंस होता है। फॉर ड्रॉवर दैट डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, एंड फॉर बैंक दैट डिस्काउंट इज एन इनकम। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डिस्काउंट। सो डिस्काउंट ऑन बिल इज अ इनकम फॉर द बैंक। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कोई भी बैंक जब बिल परचेस करती है फ्रॉम द ड्रॉअर, फ्रॉम द कस्टमर, देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ बैंक फॉर परचेज ऑफ दैट बिल। ड्रॉअर जब बिल बैंक के पास डिस्काउंट करता है, ड्रॉअर की बुक में एंट्री क्या होती है? ये हमने ऑलरेडी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। आज हम ड्रॉवर ड्रॉय की बुक्स नहीं करने जा रहे, आज हम देखने जा रहे हैं कि जो बैंक बिल परचेस कर रही है ऑन अ डिस्काउंट, उस बैंक की बुक में एंट्रीज क्या होती है। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ बैंक, उसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, ऑन 16 दिसंबर 20 बिल परचेस्ड बाय द बैंक इज वर्थ रुपीज 1 लाख। बैंक ने बिल परचेज किया है 1 लाख रुपए का, और इस पर बैंक ने डिस्काउंट दिया है 10,000 रुपीज का। डिस्काउंट ऑन बिल अमाउंट इज 10,000। द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल इज 15 जनवरी 2021 एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द बैंक इज 31 दिसंबर 2020। ये बिल हमने बींग अ बैंक कब परचेज किया है? 16 दिसंबर 2020। तो व्हेन द बिल इज परचेज ऑन 16 दिसंबर 2020 फॉर बिल परचेज्ड बाय बैंक, When the bill is purchased in the books of bank, entry will be, bill purchase करेंगे तो bill is an assets। तो यहाँ पर bills receivable या bills payable ये term use नहीं होता है, यहाँ पर हम term use करेंगे bill purchased and discounted account debit, it is an assets। For the bank, bill purchase and discount account debit with a gross amount of bill 1 lakh, bill purchase and discount account debit with 1 lakh with a gross amount of bill to customer account, जिस customer से bill हमने purchase किया है उसको हमें जितना pay करना है, with the net amount to discount on bill discounted, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड विद द डिस्काउंट अमाउंट। हमने 1 लाख का बिल खरीदा है, इसमें डिस्काउंट अमाउंट है 10,000, तो हमें कस्टमर को पे करना है 90,000। बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट विद द ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल दैट इज 1 लाख, टू कस्टमर अकाउंट विद द नेट अमाउंट, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के बदले यहां पर टर्म यूज होता है डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड विद द डिस्काउंट अमाउंट दैट इज 10,000। ना here the bill is purchased on 16 December 2020 and the maturity period of the bill is 15 Jan 21
16 दिसंबर से लेकर 15 जैन 2021 तक का हमने बिल लिया है. इट मींस डिस्काउंट इज टेकन फॉर 30 डेज. डिस्काउंट रुपीज 10,000. डिस्काउंट रुपीज 10,000. 1 लाख का बिल था, उस पर डिस्काउंट था 10,000. तो ये 10,000 रुपए का डिस्काउंट है, ये 30 डेज के लिए. अब अगर इस 30 डेज की बात करूं तो यहां पर अगर क्वेश्चन आपने देखा है तो बैंक का क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2020, जिसमें से 15 दिन इस अकाउंटिंग ईयर में आएगा, 15 डेज नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगा. हम इनकम अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हम वही इनकम करंट ईयर के पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जो करंट ईयर से जुड़ा हुआ है. हमें जो डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट टोटल 30 दिन के लिए मिला है, जिसमें से ये 15 दिन का डिस्काउंट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का है. इसे हम बोलेंगे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट. अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अमाउंट विल बी 5,000. कैसे आएगा 5,000? बच्चा लोग 30 दिन का 10,000 डिस्काउंट, तो 15 दिन का 5,000 डिस्काउंट. ये जो हमारा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, ये हमारे करंट ईयर का इनकम नहीं है. ऐसे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे सेपरेट अकाउंट में, कॉल्ड एज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. अब ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है वो ठीक है, वो साइड में रखो. फिलहाल तुमने 12th स्टैंडर्ड में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है, तो पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त एक्सपेंसेस 12 मंथ के ही रिकॉर्ड करते थे, इनकम 12 मंथ का ही रिकॉर्ड करते थे. अगर मुझे इनकम 13 महीने का मिल गया तो क्या पूरा 13 महीने का इनकम में पीएनएल में क्रेडिट करता था? डेफिनेटली नॉट. 13 मंथ का जो मिलता था उसमें से माइनस करते थे हम received in advance, ऐसा 1 महीने का इनकम माइनस कर देते थे और बुक्स में सिर्फ 12 मंथ का इनकम रिकॉर्ड करते थे. सिमिलर टू दैट, अगर एक्सपेंस हमने 13 मंथ का पे कर दिया, 14 मंथ का पे कर दिया है, तो हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलकर उसे माइनस कर देते थे. सिमिलर टू दैट यहां पर बीइंग अ बैंक, हमें 10,000 जो डिस्काउंट मिला है वो टोटल 30 डेज का मिला है, जिसमें से 15 डेज करंट ईयर में आ रहा है, 15 डेज नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है. ऐसे 15 डेज को हम बोलेंगे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट. सो ऑन 31st दिसंबर बैंक अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का एंट्री पास कर देगी फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 31st दिसंबर 2020. एंट्री फॉर दिस, देखो आपने डिस्काउंट को पहले क्रेडिट किया था, जबकि इसमें से 5,000 मेरा इनकम नहीं है, तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे. डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू, जैसे वहां पर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड यूज होता था, ऐसे बैंक में वर्ड यूज होगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड with the unexpired discount amount 5,000. Total हमें discount मिला 10,000. इसमें से 5,000 हमारा unexpired discount है और 5,000 हमारा discount income है, वो discount income PNL में चला जाएगा. So on 31st December 20 for discount transfer to PNL. Entry for this, discount on bill discounted account debit to profit and loss account 5,000. So say for example, in the next accounting year bank ne टोटल बिल डिस्काउंट किया
उसका डिस्काउंट अमाउंट इज से फॉर एग्जांपल 1 लाख. नेक्स्ट ईयर टोटल बिल डिस्काउंट क्या, उसका डिस्काउंट अमाउंट 1 लाख है. और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अमाउंट, तो नेक्स्ट ईयर पीएनएल में कितना जाएगा, दैट इज माय क्वेश्चन. द टोटल बिल डिस्काउंटेड ऑन विच डिस्काउंट रिसीव्ड इज रुपीज 1 लाख एंड द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर इज 10,000. सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल. So amount of discount transferred to PNL will be 95,000. 95,000, that is 1 lakh discount of the year, unexpired discount of the year, and isme add karenge unexpired discount of last year. Last year 5,000 ka discount tha jo unexpired tha, and that will expire in the current year. Hence current year mein PNL mein jayega 95,000. It means जिसको आप लास्ट ईयर अनएक्सपायर करते हो उसको हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज ऑन 1 जनवरी 2021 को फर्स्ट डे पर उस एंट्री को रिवर्स करना होता है फॉर रिवर्सल ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट. जो लास्ट ईयर अनएक्सपायर्ड था वो इस साल एक्सपायर हो जाएगा. फॉर दैट एंट्री विल बी rebate on bill discounted account debate. To discount on bill discounted 5,000. So calculation of amount to be transferred to PNL. In this discount received, in this add opening rebate on bill discounted minus closing rebate on bill discounted. तो आ जाएगा अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल. सो दिस इज द method of computation of discount income for the bank. So start karenge question number 1. Calculate rebate on bill discounted as on 31st December 2005 from the following and pass the relevant journal entry. हमने अलग अलग डेट पर बिल खरीदा है, बीइंग अ बैंक उसका डेट दिया है, बिल का अमाउंट दिया है, पीरियड इंक्लूडिंग ग्रेस डेज, पीरियड इंक्लूडिंग ग्रेस डेज मतलब कितने मंथ के लिए क्रेडिट पर बिल खरीदा हुआ है, एंड रेट ऑफ डिस्काउंट. और इंक्लूडिंग ग्रेस डे दिया है तो अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पढ़ा तो 3 दिनों का ग्रेस हम ऐड करते हैं, यहां पर 3 दिनों का ग्रेस डे ऐड करने के बाद का दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे. सो 10 सितंबर प्लस 6 मंथ, 10 सितंबर प्लस 6 मींस 10th March 2006, 16 10 प्लस 4 मंथ, प्लस 4 मंथ मतलब 14 हो जाएगा, 14 माइनस 12 मतलब फेब्रुअरी, 16th February 2006 will be the due date. 22nd 11 plus 5 month, 11 plus 5 matlab 16, so 22nd April, and 25 12 plus 3 month, so 25th of March.
तो सबसे पहले हम ड्यू डेट निकाल रहे हैं, ड्यू डेट निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझो। कैलकुलेशन ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, फर्स्ट कॉलम ड्यू डेट, सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द क्लोजिंग डेट, थर्ड कॉलम अमाउंट, फोर्थ कॉलम इंटरेस्ट एंड लास्ट कॉलम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम क्लोजिंग डेट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट क्लोजिंग डेट के बाद होता है, तो अपना क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2005, तो उसके बाद कितने दिन है वो देखना पड़ेगा। देन अमाउंट ऑफ बिल, रेट ऑफ डिस्काउंट एंड अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अमाउंट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। सो नाउ द फर्स्ट बिल, ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 10th March, हमें देखना है हमारा ये जो बिल ड्यू है ये हमारे क्लोजिंग डेट के कितने दिनों बाद है। तो जनवरी 31 days, फेब्रुवरी इट इज नॉट अ लीप ईयर 28 days, प्लस मार्च 10 days, सो नंबर ऑफ डेज विल बी 30 + 20 = 59 69 days। बिल अमाउंट है 4 lakh और डिस्काउंटिंग रेट है 9%। तो बच्चा लोग इस बिल पर 9% हम रेट ले रहे हैं 4 lakh rupees पर, और 69 डेज का इंटरेस्ट हमने इस साल रिसीव किया होगा बट वो इस साल एक्सपायर नहीं होगा। तो कैलकुलेट करो 4 lakh × 9% × 69/365, this is the amount of unexpired discount on the first bill. Now the second bill, due date is 16th February, bill amount is 7 lakh. So Jan 31 plus February 16 days. Bill amount 7 lakh. Rate of discount is 11%. तो बच्चा लोग कैलकुलेट करो, 7 lakh per 11%, 47 डेज का इंटरेस्ट हमें मिल चुका है बट जो एक्सपायर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होगा। Next, 22nd अप्रैल, सर फेब और मार्च आएगा ना सेकंड वाले में, क्या बेटा? सर सेकंड वाले में फेब और मार्च आएगा ना डेट, फेब और मार्च आएगा, क्यों? पीछे ले रहे हो ना, हमें अच्छा, हमारा ईयर एंड का भी हो रहा है 31 दिसंबर हो रहा है ना, तो हम अच्छा, सारे बिल का अनएक्सपायर देखेंगे 31 दिसंबर से। यस सर, यस। So, ये 22nd अप्रैल को जो बिल ड्यू हो रहा है, ये जैन 31, फेब्रुवरी 28, मार्च 31 एंड अप्रैल 22 डेज, टोटल
1-1, 2 days. Bill amount 5 lakh 8%. So 5 lakh 8% for 1-1, 2 days. ₹12,274. Similar to that, last bill कभी निकालेंगे? 25th March. तो Jan 31, February 28, and March 25 days. So unexpired 84 days. ₹8 lakh at the rate of 7%. So unexpired amount is 12,888. तो बच्चा लोग टोटल करेंगे अनएक्सपायर्ड अमाउंट. ये मेरे अलग अलग बिल है जो मैंने परचेज किया और जिसका एक्सपायरी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है. So total unexpired discount amount for the year will be 41882. इससे बैंक एंट्री पास करेगा ऑन 31 December 2005. डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट. To rebate on bill discounted. ₹41882. Is it clear? Question number 2. The following is an extract from the trial balance of Dream Bank Limited as on 31st March 2006. Rebate on bill discount on 1-4-2005. हमें opening rebate दिया हुआ है बच्चा लोग 68,259. Discount received for the year is 1,70,156. An analysis of the bill discounted reveals as follows. जब हमने bill analyze किया तो पता कर चला कि काफी सारे bill expire होने जा रहे हैं June 1st, June 8th, June 21st, July 1st and July 5th. You are required to find out the amount of discount to be credited to PNL. तुम्हें पता करना है कितना discount PNL में जाएगा for the year ending March 2006 and pass the journal entry. The rate of discount may be taken at 10% per annum. अभी जो हमने सम किया था उसमें discounting rate अलग अलग बिल का अलग अलग था. यहाँ पर सारे बिल का discounting rate एक ही है 10%. तो जो discount rate वाला जो कॉलम बनाया था ना, यहाँ पर वो रेट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. बाकी जैसे अभी सम सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना. पता करो, कैलकुलेट करके दो मुझे अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट. पहले इसका कितना है अनएक्सपायर्ड अमाउंट? 4756. नेक्स्ट 12671. Next 20467. So next 15781. So total discount 70,159 unexpired discount amount. Closing आएगा ना, like closing unexpired. हाँ, वो क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड है. सो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू पीएनएल. डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर द ईयर कितना? डिस्काउंट रिसीव्ड so 1,70,156.
170 156 plus opening rebate that is given in the question. What is my opening rebate on bill discounted? 68,259 minus closing rebate. So transfer to P&L. तो अब इस सब में हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है? तो सबसे पहले बच्चा लोग वो रिवर्सल वाली एंट्री आएगी फॉर रिवर्सल ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट. Opening rebate 68,259. फिर इस साल एट द एंड 31st मार्च क्या है? 31st मार्च 2006. For unexpired discount, discount on bill discounted account debit to rebate. $70,159. For transfer to P&L. Discount on bill discount account debit to profit and loss. 168,256. मेरा ना राउंडिंग ऑफ मैंने नहीं किया था तो मेरा 2 रुपए से डिफरेंस आया तो चलेगा ना? हाँ चलता है, बट राउंडिंग ऑफ कर दो. ठीक है सर. नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ गलत नहीं. ठीक है, 2 डिजिट तक रखो. हाँ सर, मेरा ये डाउट था जो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है तो उसमें हम लोग को 2 डेसिमल तक लिखना है, मतलब आंसर लिखते वक्त लिखना है हम लोग को? लिखोगे चलेगा, राउंड ऑफ कर दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके सर, मतलब मैंने इंडिविजुअल जो डिस्काउंट है वो उसमें पॉइंट में लिखा है एंड फाइनल आंसर राउंड ऑफ कर दिया फिर मैंने. चलेगा. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स. तो बच्चा लोग बैंक का असेट्स आर क्लासिफाइड एज परफॉर्मिंग असेट्स, और
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट्स, सो हियर एसेट्स मींस लोन्स एंड एडवांसेस. फॉर बैंक the backbone of a bank is loans and advances, which is given by the bank to the general public. Housing loan, car loan, business loan, personal loan, alag alag type ka bank loan deta hai. अब ये जो लोन बैंक ने कस्टमर को दिया है, पब्लिक को दिया है, ये दो नेचर का होगा, या तो ये परफॉर्मिंग नेचर का होगा या तो नॉन परफॉर्मिंग नेचर का होगा. जब मैं बोलता हूँ परफॉर्मिंग होगा, मतलब इस असेट्स पर, इस लोन्स एंड एडवांसेस पर हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है, कस्टमर से ईएमआई मिल रहा है, तो मैं ऐसे लोन्स को बोलूंगा माय परफॉर्मिंग असेट्स. लेकिन अगर मैंने लोन दिया है बट कस्टमर ने ईएमआई नहीं पे किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, और 90 डेज से ज़्यादा हो चुका है वो पे नहीं कर रहा है, तो ऐसे असेट्स को हम बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. परफॉर्मिंग किसको बोलेंगे? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. रिसीव्ड ऑन टाइम. टाइम टू टाइम मिल रहा है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ईएमआई. नॉन परफॉर्मिंग किसको बोलेंगे? इंटरेस्ट प्रिंसिपल अपने को मिल ही नहीं रहा है, 90 दिन से ज्यादा हो गया. Not received for more than 90 days. 90 दिन से ज्यादा हो गया और अब तक पैसा नहीं मिल रहा है, तब ऐसे assets को हम बोलेंगे यार ये मेरा non performing assets है, NPA है. NPA. ना performing assets हो या non performing assets हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. For the recognition of income. For the recognition of income, हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा assets, loans and advances, performing है या non-performing. अगर हमारा assets, that is loans and advances, performing assets है, तो income accrual basis पर record होगा. अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड होगा, मतलब जितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है प्लस जितना इंटरेस्ट मिलना बाकी है, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. लेकिन अगर हमारा असेट्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, तो इनकम रिसीव्ड बेसिस पर रिकॉर्ड होगा. रिसीव्ड बेसिस पर रिकॉर्ड करने का मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितना इनकम रिसीव्ड हुआ वो तो रिकॉर्ड करो, बट आउटस्टैंडिंग इनकम हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? नॉन परफॉर्मिंग है, क्या गारंटी कि ये पैसा देगा? तो उतना ही इनकम रिकॉर्ड करो जितना एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है. मतलब अब तक हमने जो भी अकाउंटिंग पढ़ा था, हम बुक्स ऑफ अकाउंट या तो रिसीट बेसिस पर फॉलो करते थे या तो अक्रूवल बेसिस पर फॉलो करते थे, बट बैंक के लिए दोनों सिस्टम अलाउड है, अक्रूवल और रिसीट. ऐसी इनकम जो परफॉर्मिंग असेट्स पर जनरेट हो रही है, गवर्नमेंट कहती है फॉर दैट अक्रूवल बेसिस फॉलो करो, रिसीव्ड भी लो, आउटस्टैंडिंग भी लो, सब लो. लेकिन अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है तो आप वही इनकम रिकॉर्ड करो जो रिसीव्ड हुआ है, जो रिसीव करना बाकी है उसे अभी बुक्स में रिकॉर्ड मत करो, उसे तब रिकॉर्ड करना जब वो एक्चुअली मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 4. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ मीनाक्षी बैंक लिमिटेड
फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 31st March रुपीज इन लैक्स इंटरेस्ट अर्नड दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है और ये आपको नेचर ऑफ असेट्स है लोन एडवांस अकाउंट दिया तो पहले परफॉर्मिंग असेट्स दिया है इस परफॉर्मिंग असेट्स में तीन असेट्स के नाम दिए कैश क्रेडिट टर्म लोन बिल परचेज एंड डिस्काउंट फिर दिया है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स तो बच्चा लोग परफॉर्मिंग असेट्स का इनकम रिकॉर्ड होगा ऑन अक्रूअल बेसिस मतलब कितना कमाया दैट इज रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग वेदर एज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का इनकम रिकॉर्ड होगा ऑन रिसीट बेसिस सो अगर मैं बात करूं कैश क्रेडिट तो देखो इधर भी कैश क्रेडिट है इधर भी कैश क्रेडिट है तो परफॉर्मिंग असेट्स का कैश क्रेडिट इनकम विल बी 1800 और नॉन परफॉर्मिंग का कैश क्रेडिट विल बी 70 सो आई विल रिकॉर्ड 1870 एज माई इनकम टू बी रिकॉग्नाइज Similar to that, in case of term loan, for performing assets 480 and for non-performing it is 40. For bill purchase and discounted 700 plus 36. First, cash credit and overdraft. In case of performing assets, it was 1800 and for NPA, it is 70. ये पीए का है और ये एनपीए वाला है सो टर्म लोन में 480 एंड 40 एंड बिल परचेज एंड डिस्काउंट700 plus 36 So income to be recognized. Total. कोई भी बैंक आरडीडी कैसे कैलकुलेट करती है कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन ऑन असेट्स How to calculate RDD, provision on the assets?
देखो अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो हम अपने कस्टमर पर आरडीडी क्रिएट करते हैं डिपेंड अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस. हमारा बिजनेस कहां पर लोकेटेड है बेस्ड ऑन दैट हम आरडीडी क्रिएट करते हैं. अच्छी लोकेलिटी में अगर अपना बिजनेस है तो बैड होने की प्रोबेबिलिटी कम है, बैड होने की प्रोबेबिलिटी कम है तो आरडीडी रेट कम है. लेकिन अच्छे एरिया में अपना बिजनेस लोकेटेड नहीं है तो बिजनेस में बैड डेट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हम आरडीडी ज्यादा क्रिएट करते हैं. एज पर कंपनीज एक्ट देयर इज नो स्टैंडर्ड गाइडलाइन कि कितना आरडीडी क्रिएट करना चाहिए. दैट इज डिसाइडेड बाय द बिजनेसमैन बेस्ड ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस. बट फॉर बैंक दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज इनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है. एंड एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोई भी बैंक एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा आरडीडी क्रिएट नहीं कर सकती. तो वो आरडीडी रेट्स क्या है अभी हम वो सीखने जा रहे हैं. तो उसके लिए पता करना पड़ेगा असेट्स कौन से असेट्स है, वेदर असेट्स इज परफॉर्मिंग असेट्स which is also known as standard assets. Or the assets is non-performing assets. This non-performing assets further classified as substandard assets, doubtful assets, loss assets. This doubtful assets further classified as up to 1 year, more than 1 year, up to 3 years. And more than 3 years. Assets को इतने part में classify किया है. Performing assets, non-performing assets, non-performing further classified as substandard, doubtful, loss assets. तो देखो बच्चा लोग, performing, non-performing का difference we know. टाइम टू टाइम पैसा दिया तो परफॉर्मिंग है, 90 डेज उससे ज्यादा हो गया पैसा नहीं मिला तो नॉन परफॉर्मिंग असेट. अब 90 डेज जिस दिन हुआ उस दिन उसको नॉन परफॉर्मिंग बोला ना, मतलब उस दिन उसको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल दिया. सब स्टैंडर्ड यहां पर वो एक साल तक पड़ा रहेगा. एक साल हो गया अभी भी पैसा नहीं दे रहा है तो उसको सब स्टैंडर्ड से उठाकर डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि यार ये तो एक साल से ऊपर हो गया पैसा ही नहीं दे रहा है. This is my doubtful assets. एक साल जिस दिन उसको doubtful tag में डाला उधर से एक साल तक up to 1 year category. एक साल से ज्यादा हो गया doubtful बोलकर भी एक साल से ज्यादा हो गया तो वो second category में आ जाएगा. More than 1 year up to 3 year. And last category more than 3 year. So doubtful में तीन category है, up to 1 year, more than 1 year, up to 3 year and more than 3 year. वो परमानेंट डाउटफुल कैटेगरी में ही पड़ा रहेगा. हम लॉस कैटेगरी में खुद के मन से कभी भी किसी असेट्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे. तो लॉस असेट्स कब कैटेगराइज किया जाता है, तो जब आरबीआई इंस्पेक्टर बोल दे या अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल दे कि ये पैसा मिलने वाला नहीं है, देन ओनली असेट्स विल बी कंसीडर्ड एज लॉस असेट्स. सो रिपीटिंग, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग दोनों का डिफरेंस. टाइम टू टाइम पैसा मिला परफॉर्मिंग,
90 दिन से ज्यादा हो गया पैसा नहीं मिला, नॉन परफॉर्मर. 90 दिन जैसे ही क्रॉस होगा उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड. 90 डेज के बाद एक साल तक वहां पर पड़ा रहेगा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में. एक साल क्रॉस होने के बाद अब उसको सब स्टैंडर्ड से उठाकर डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाता है. फिर वो डाउटफुल कैटेगरी में अप टू वन ईयर, मोर देन वन ईयर, अप टू थ्री ईयर, मोर देन थ्री ईयर, उसी कैटेगरी में पड़ा रहेगा. तो लॉस असेट्स को हम लॉस कब बोलेंगे? जब आरबीआई इंस्पेक्टर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिक्लेयर करेगा. ठीक है, तो अब अगर असेट्स परफॉर्मिंग है तो आरडीडी रेट 0.4%. परफॉर्मिंग है यार, इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है, टाइम टू टाइम पैसा मिल ही रहा है. तो ऐसे असेट्स पर 0.4% आरडीडी क्रिएट होगा, 0.4, ना के बराबर. लेकिन अगर असेट्स सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ चुका है तो हम पता करेंगे कितना पोर्शन सिक्योर्ड है, कितना पोर्शन अनसिक्योर्ड है. सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड मतलब हमने लोन दिया उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ गारंटी है. तो सिक्योर्ड पोर्शन पर 15% आरडीडी लगेगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 25% आरडीडी लगेगा. फॉर सिक्योर्ड 15, फॉर अनसिक्योर्ड 25%. सिक्योर्ड 15, अनसिक्योर्ड 25%. अब अगर असेट्स डाउटफुल है, असेट्स डाउटफुल है अप टू वन ईयर, सिक्योर्ड पोर्शन 25%, अनसिक्योर्ड पोर्शन 100%. सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड. मोर देन वन ईयर अप टू थ्री ईयर है तो सिक्योर्ड पोर्शन 40%, अनसिक्योर्ड पोर्शन 100%. और मोर देन थ्री ईयर है तो सिक्योर्ड पर भी 100, अनसिक्योर्ड पर भी 100. इन केस ऑफ लॉस असेट्स 100%. दीज आर द रेट्स ऑफ आरडीडी. ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में असेट्स के नाम दिए होंगे, वो परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग में, सब स्टैंडर्ड है या डाउटफुल है, क्या है, आपको ये रेट्स याद रखने. Question number 5. From the following information, compute the amount of provision to be made in profit and loss account of a commercial bank. हमें assets में पहला standard दिया है, value of security 6000 lakhs. Standard के लिए secured हो, unsecured हो, rate will be 0.4%. Substandard. Now for substandard, we should know what is the amount of secured portion, what is unsecured. यहाँ पर दिया नहीं. And if secured portion is not given, always assume entire loan is secured. क्योंकि without security bank loan देगा, ये chances बहुत कम. Hence, the rate will be 15%. Then doubtful, they are doubtful for less than 1 year. Reasonable value of security is 500. Amount ऊपर चला गया, तो इस 1000 का दो टुकड़ा होगा, 500 secured, 500 unsecured. तो बच्चा लोग secured portion पर 25%, unsecured पर 100%. Doubtful for more than 1 year but less than 3 year. तो इस 500 का भी दो टुकड़ा होगा, इसमें दिया है value of security 300, so 300 secured, 200 unsecured. The secured is per 40%, unsecured per 100%. And doubtful for more than 3 years, no security. In fact, security hota to be 100% yaad. Statement banayenge. Calculation of amount of provision. To be transferred to PNL.
रुपीज इन लैक्स फर्स्ट स्टैंडर्ड एसेट्स 7,000.4% सेकेंड सब स्टैंडर्ड एसेट्स 3,000 next doubtful assets इसमें up to 1 secured unsecured पांच सौ सिक्योर्ड था 500 अनसिक्योर्ड More than 1 year up to 3 years. Secured, unsecured, 300 and 200. And more than 3 years. So, what is the total provision? One seven two three. Amount of provision required. So now RDD question number 12 ka second standard 0.4% kitna amount 12 substandard 15% 330 for 1 year doubtful for 1 year kuch bola nahi to maine just bola tha assume entire amount is secured कितना 225 फॉर 2 ईयर मतलब मोर देन 1 अप टू 3 ईयर वाली कैटेगरी में आएगा 240 फिर 3 ईयर 40% 160 300 मोर देन 3 ईयर 100% और लॉस असेट्स ये भी 100% So total 1867. This is the amount of provision required. 1867.
क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑन 31st December 2009 द बुक ऑफ हीरो बैंक इंक्लूड अमंग अदर्स द फॉलोइंग बिजनेस: रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 1/1/2009. अपना अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31st December और 1/1/2009 का रिबेट दिया, मतलब दिस इज माय ओपनिंग रिबेट. डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज दिया, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड. थ्रू आउट 2009 द बैंक रेट फॉर डिस्काउंटिंग हैज बीन 18%. डिस्काउंट रेट दिया 18%. And the rate of commission on bills for collection is 4%. Bank ना collection का काम भी करता है, तो यहां पर bank जितना bill collection के लिए ले रही है उस पर commission rate है 4%, और जितना bill purchase कर रही है उसका discounting rate है 18%. फिर दिया है, on investigation and analysis the average due date for the bill discounted and purchased is calculated on 15 Feb 2010. आज हमने बिगनिंग में जो दो सम किया था उसमें ना हमें सारे बिल का इंडिविजुअली डेट्स दिया था कि वो कब मैच्योर होने वाले. यहां पर हमें इंडिविजुअल बिल का डिटेल नहीं दिया है, बट सारे बिल का ऑन एन एवरेज मैच्योरिटी डेट दिया है कि 15 फेब को हो रहा है. और हमने टोटल जितने भी बिल खरीदे ना वो मैच्योर 15 फेब को हो रहा है. तुमने टोटल कितने बिल परचेज किए? 3,15,47,000. इसका मैच्योरिटी डेट दिया है 15 फेब. अपना ईयर एंड हो रहा है 15 December 2009. तो अगर मैं अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की बात करूं तो मेरा टोटल जितना भी बिल है दैट इज 3,15,47,000 इनटू 18% इनटू 15 फेब को एक्सपायर हो रहा है, मतलब जैन का 31 फरवरी का 15, तो टोटल 46 डेज. सो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अमाउंट विल बी 715,642 is the unexpired discount. और फिर दिया that for bill for collection is 15 Jan 20. बच्चा लोग हमें bill for collection का date और rate ऐसे ही दिया है, ignore उसका अपने इससे कोई relevance ही नहीं है. हमें तो डिस्काउंटिंग रेट मालूम होना चाहिए 18%, और जो बिल खरीदा है वो एक्सपायर कभी होगा 15 फेब 2010. ये दो रेट इंपॉर्टेंट है. शो द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू बैंक पीएनएल अकाउंट ऑन डिस्काउंट अर्नड अंडर द ईयर इंटरेस्ट अर्नड फॉर द ईयर 2009. शो ऑल्सो द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड. ठीक है, तो अनएक्सपायर डिस्काउंट अमाउंट मिल गया हमें, तो अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल मिल जाएगा क्या? Yes, sir. That is opening rebate plus discount received minus closing rebate. फटाफट अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू पीएनएल.